फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। फर्स्ट ऑफ, एनामलस क्या होता है? एनामलस का मतलब होता है अलग। तो हम बात कर रहे हैं लिथियम के अलग बिहेवियर की। अलग किसके रिस्पेक्ट में? अपने ग्रुप के रिस्पेक्ट में। हमें पता है लिथियम एलिमेंट सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3, मतलब कॉन्फिगरेशन 2.1, या फर्स्ट शेल का एसर बाइंडिंग पूरा कर गया, सेकंड शेल का एसर बाइंडिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और इसमें कितनी शेल्स हैं? एक, दो, दो शेल्स मतलब पीरियड 2 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट है, मतलब अल्कली मेटल्स के ग्रुप में आता है। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स को ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है, इसीलिए उन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्योंकि उनके वाटर में सोल्यूशन जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वो हाईली अल्कलाइन इन नेचर होती है या हाईली बेसिक होती है। लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग होती हैं। मोस्ट ऑफ देम होती हैं, क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है। लिथियम हैज अ वेरी स्मॉल साइज। हमें पता है लिथियम जो है उसमें सिर्फ दो शेल्स हैं, 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा होल्ड है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अपने ग्रुप में वो सबसे छोटा एलिमेंट है, इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उसका साइज काफी छोटा हो चुका है। छोटा साइज है इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होंगी। सबसे पहले आपको याद होगा जब हमने फजान सूल पढ़ा था, तब हमने देखा था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, राइट? उसमें कोई ना कोई कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, क्योंकि कटायन एनायन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो लिथियम हमने देखा था कि जितना बड़ा एनायन होगा और जितना छोटा कटायन होगा उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अनायन की जो प्रॉपर्टी होती है खींचने की, उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। कटायन की जो प्रॉपर्टी होती है खींचने की, उसे कहते हैं पोलराइजेशन पावर। आपको याद होगा छोटे कटायन की ज्यादा पोलराइजेशन पावर होती है, वो ज्यादा अनायन को खींच सकता है, इसीलिए लिथियम की भी काफी ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर होती है। मतलब लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। आपने नोटिस किया होगा लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड के बारे में कहीं भी पढ़ोगे, या लिथियम क्लोराइड के फ्लोरीन भी छोटा होता है, इनके बारे में आप कभी भी पढ़ोगे लिखा होगा कि ये कंपाउंड, अगर आप एडवांस पढ़ रहे हो कि ये कंपाउंड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कंपाउंड्स, क्योंकि लिथियम का साइज इतना छोटा है कि उसकी पोलराइजेशन पावर बहुत बढ़ चुकी है। सेकेंडली, ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे पुल होनी चाहिए अच्छी। लिथियम छोटा सा है, 3 प्रोटॉन्स है उसके पास, और आसपास आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है लिथियम का, अगर आपको सम अप करना, राइट? अब ऐसे स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाओ लिथियम कहेगा, कम अलॉन्ग मेरे पास तो है खींचने को, और आगे आ जाओ। मतलब इसकी काफी टेंडेंसी है, मैं ये नहीं कह रही प्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर कंपेयर टू अदर ग्रुप 1 एलिमेंट मेटल्स, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके कंपेरिजन में लिथियम की ज्यादा टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर्ड टू अदर अल्कली मेटल्स। अच्छा, साथ साथ इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी भी, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसकी ज्यादा है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, कोई भी एटम होता है मेटल का, उसकी आउटर मोस्ट शेल में से हमने एक अलग एटम लिया। मार्च एग्जांपल समझते हैं, लिथियम है, ठीक है, ये है मेरा लिथियम का न्यूक्लियस, ये आ गए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ गया मेरा 1 और इलेक्ट्रॉन, राइट?
ये मैंने एटम लिया एक लिथियम का, कैसा एटम है ये मैंने एक अलग कर लिया है, और साथ साथ ये एक गैशियस एटम है, सो इट इज एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब मुझे इस आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटमोस्ट शेल में से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये वाला मुझे ये निकालना है, तो इसे निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम का साइज इतना छोटा है, तीन इलेक्ट्रॉन्स है बेचारे के पास, वो कहेगा कि इन तीन को तो मैं अच्छे से बचा के रखूंगा, इन तीन पे तीन प्रोटॉन्स, इन तीन इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे कि इनको निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए इसकी काफी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। आई रिपीट वंस अगेन, विद रिस्पेक्ट टू अदर एल्कली मेटल्स, अगर नॉन मेटल से कंपेयर करोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो उनके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन अगर हम यही बात, अगर एक सेकेंड, हाई आयनाइजेशन, हाँ अगर यही बात हम करें विद रिस्पेक्ट टू अदर एल्कली मेटल्स जो बाकी ग्रुप वन एलिमेंट्स है, लिथियम और सॉरी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी है लिथियम की। वंस अगेन दिस कैन बी ब्लेम्ड ऑन द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। सो अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि क्योंकि लिथियम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉर मेटल, इसीलिए वो कम रिएक्टिव है, इसीलिए इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एयर। व्हेन यू कंपेयर दिस टू अदर एल्कली मेटल्स, जैसे आपके सोडियम पोटेशियम है जिन्हें केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, इतने रिएक्टिव है कि उन्हें केरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेंगे, इतने रिएक्टिव होते हैं। और एक लिथियम है वो एयर से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और वो काफी ज्यादा लस्टरस होता है। एल्कली मेटल्स में सबसे लस्टरस आपका लिथियम होता है, कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स लिथियम इज वेरी लस्टरस एंड नॉट इफेक्टेड बाय एयर, थोड़ा सा होता है इफेक्ट पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता, कंपेयर टू लिथियम और सोडियम का, जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना, आग पकड़ लेना, उसी कंपैरिजन में लिथियम का ऑलमोस्ट नो रिएक्शन विद एयर होता है। जब आप इसे वाटर के साथ रिएक्ट करोगे प्लस वाटर, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा, स्लो रिएक्शन। और इस स्लो रिएक्शन में क्या बनेगा, इस स्लो रिएक्शन में बनेगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस और साथ में हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, बहुत धीरे रिएक्ट करेगा कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करके भी आयनिकली आग पकड़ लेते हैं, राइट। अच्छा दिस इज हार्डर, हार्ड देखिए एल्कली मेटल सॉफ्ट क्यों है, वो अपने ग्रुप में सबसे बड़े हैं, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उनके भी बॉन्ड्स वीक होते हैं, लिथियम जो है उसका साइज काफी छोटा है, इसलिए उसमें जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इट इज हार्डर कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स एंड लाइटर कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। आप देखिए लिथियम का एटॉमिक मास 7 एटॉमिक मास यूनिट्स, सोडियम का एकदम से 23 आ गया, पोटेशियम का एकदम से उससे भी ज्यादा 39 आ गया, अगर इतना हाई का आ रहा है मतलब लिथियम जो है कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स, याद रखना मैं कह रही हूँ कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स, है हार्डर और लाइटर होता है लिथियम, राइट। और अगर हम बात करें अबाउट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक Li2O जो मोनोऑक्साइड है, इसने बनाया Li2O, लेकिन जो बाकी एल्कली मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड। अच्छा पेरोक्साइड्स क्या होती हैं और सुपर ऑक्साइड्स क्या होती हैं, ये होती है आपकी ओ माइनस, ये होती है ओ टू टू माइनस, सॉरी ये होती है ओ टू टू माइनस, ये होती है आपकी ओ टू माइनस, राइट। सो इवन दो बाकी एल्कली मेटल्स पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम बनाता है ऑक्साइड व्हिच इज आल्सो लेस अल्कलाइन कंपेयर टू अदर्स, जो बाकी एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो जितनी एल्कलाइन है उससे काफी कम एल्कलाइन नेचर होती है लिथियम ऑक्साइड। अच्छा इस लिथियम ऑक्साइड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड से और Li2CO3, ये दोनों डीकम्पोज होके मुझे लिथियम ऑक्साइड देगी,
लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मली जो ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट्स हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि वो थर्मली स्टेबल है, वो डीकम्पोज नहीं करते। लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट डीकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड और इस केस में वाटर बनाएंगे, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, राइट। अच्छा अगर हम और बात करें, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। ये इकलौता अल्कली मेटल है, ओनली अल्कली मेटल जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली नाइट्राइड बना लेता है, राइट। बाकी अल्कली मेटल्स ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ये बना लेता है। Li(SO4) की अब हम बात करते हैं, तो ये लिथियम सल्फेट जो होता है वो इकलौता सल्फेट है जो डबल सॉल्ट नहीं बनाता, डज नॉट मेक डबल सॉल्ट, जैसे कि एलम्स होते हैं। एलम्स क्या होते हैं? एलम्स बेसिकली बहुत सारे कार्बोनेट सल्फेट से मिला के बनते हैं, राइट। जैसे MSO4, M-SO4 थ्राइस, व्हाटएवर XH2, ऐसे आपके एलम्स बनते हैं। लिथियम सल्फेट इकलौता अल्कली मेटल है जो ऐसे डबल सॉल्ट नहीं बनाता, एलम्स नहीं बनाता, बाकी सारे बनाते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है NiHCO3, ये हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन स्टेट में मिलता है, राइट। ये सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, इवन तो बाकी जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, राइट। ये एक बात हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब लिथियम को आप अमोनिया से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा? लिथियम एमाइड, विच इज योर Li2NH। लेकिन अगर बाकी कोई अल्कली मेटल है जिसे रिएक्ट कराओगे तो आपका बनेगा मेटल NH2, मेटल अमाइड, राइट। तो क्या क्या एनामलस से अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसकी? हाई पोलराइजिंग पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज वेरी लेस इफेक्टेड बाय एयर, लस्टरस इवन आफ्टर मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद भी अपना लस्टर लूज नहीं करता। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बहुत धीरे रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं, इवन तो बाकी एलिमेंट्स काफी विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। हार्ड होता है, लाइट होता है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, इवन तो बाकी अल्कली मेटल्स परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसकी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट भी डीकम्पोज करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, इवन तो अल्कली मेटल्स के यूजुअली स्टेबल होते हैं, ये कम अल्कलाइन होता है कंपेयर टू अदर ऑक्साइड्स, राइट। ये एक लौता ऐसा अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली नाइट्राइड बना लेता है। इसकी जो सल्फेट है वो डबल सॉल्ट से इसे एलम नहीं बनाती है, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में मिलती है, इवन दो बाकी सारे नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लिथियम एक लौता अल्कली मेटल है जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इमाइड, क्या कहते हैं इसे, इमाइड आयन है, NH2-। लेकिन इवन दो जो आपका नॉर्मल अल्कली मेटल है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमाइड बनाए, NH2-, which is your amide। तो I hope analysis behavior of lithium clear है, वो कैसे behave करता है एक ऐसे तरीके में जो अपने कैसे वो अलग है अपने नीचे अपने ग्रुप के मेटल्स के साथ। So I hope your concept clear है। That was all for today's video। Goodbye, thanks for watching।